राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर इन दिनों अपनी और सलीम खान के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन को लेकर चर्चाओं में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कलम से तूफान ला देने वाली राइटर्स की इस जोड़ी ने उस दौर में कितने ही सितारों को बनते और मिटते देखा। हाल ही में जावेद अख्तर ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने अपने काम और करियर से जुड़े तमाम किस्से शेयर किए। इस इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन, जिन्होंने सलीम जावेद की कई फिल्मों में काम किया था, को लेकर भी कई दिलचस्प बातें साझा की कि कैसे वो बिग बी के टैलेंट पर भरोसा करते थे और उसके बदले उन्हें क्या मिला। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। इंडस्ट्री के जानकारों का ये मानना है कि अमिताभ बच्चन जावेद अख्तर और सलीम खान की वजह से ही मेगा स्टार बने। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा, हम ये समझने में काफी तेज थे कि अमिताभ बच्चन एक महान अभिनेता हैं और उनकी फिल्में ही थी जिसने उन्हें सफल बनाया। हमने उनके टैलेंट की कद्र की और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से इसका बदला चुकाया। जावेद साहब ने आगे कहा, हमें ये मान लेना होगा कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन एक्टर, दिलीप साहब के बाद अमिताभ बच्चन ही हैं। वास्तव में जहां दिलीप साहब हर दो साल में एक फिल्म किया करते थे, वहीं अमिताभ का टर्नओवर एक साल में लगभग 7 से 8 सुपरहिट फिल्म का था। अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, उनमें जबरदस्त डिसिप्लिन, फोकस और अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल था। उन्होंने कभी भी विवादित बयान नहीं दिया। अगर शिफ्ट 7 बजे से होती है तो वो 7:45 बजे सेट पर पहुंच जाते। ये अद्भुत अभिनेता हैं। मैंने उनके साथ 14 फिल्में की हैं और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने मेरी लाइनें कैसे बोली। वास्तव में मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरी कुछ पंक्तियों को और बड़ा बना दिया। हिंदी क्लासिक जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना ने कहा था, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये पहली बार था जब अमिताभ बच्चन ने मशहूर स्क्रिप्ट राइटर जोड़ी सलीम जावेद की लाइनें बोली। ये पहली बार था जब अमिताभ ने अपनी एंग्री यंग मैन की छवि बनाई और ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन सदी के महानायक के रूप में उभरे। तो देखा आपने, अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं वो अपनी कड़ी मेहनत और अपने डिसिप्लिन की वजह। इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।